क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया भाई। पैड सिलवानी थी यार। हाँ, सिल जाएगी पैड। उस्ताद जी, वो कल मनफैद पे आता सांझ के टाइम। मनफैद का जो कपड़ा बचेगा नहीं, हाँ उसका कच्चा बना दियो। हाँ तो कोई बात नहीं, कच्चा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाप तो वो पहली पैंट तुम्हारी उसी की ले ले। हाँ, उसकी वही है। हाँ, वही साइज बनेगा। हाँ, साइज तो वही सेम आएगा। क्या कह रहा? वो नुकारा नुका मेरे तो यार, कल को मिल जाएगी मुझे भाई। एक दो दिन लगेगा, कल को आ जा तू। ठीक है, हम तो पूरी रात काम कर रहे हैं यहाँ। ठीक है। उस्ताद जी, वो मुनफैद भी आया था सुबह। भाई यार, इनने मनफैत ने तो रोज का बस आना जाना आना जाना। मुश्किल थे से 4 साल नहीं हुए वो पैंट दे गया था। वो तो अच्छा साफ साफ तड़ी देगा क्या भाई? इतने बड़े तम टैलेंट नहीं भाग जा रहे मेरा, कपड़े दे दो भाई। कम से कम 60 साल का पीछे रखा। अजी जी भी तो मेरा अब्बा ना साफ साफ कहा था अनुका भाई, टेलर वो टेलर खतरनाक, उसके दौड़ जाएगी मुद्दत, पुराने पुराने कपड़े उस पता ही मिलेंगे भाई। मेन बात है हुनर की, हुनर जहाँ होगा ग्राहक वहाँ आएगा, चाहे उसे मिले ना मिले, चाहे उसका काम कितनी भी लेट हो रहा, बस देर तो हो रहा लेकिन काम तो बढ़िया हो रहा है भाई। मतलब अपना बस इस तरह नहीं चला करता भाई। काम काज पैंट दी और कल को लेना आ गया, इसमें टाइम लगे इस चीज में, ले इसका काज करिए भाई। वो क्या कर दिया तूने? तुझे काज कहा था, तूने खिस्सा कतर दिया इसका। अजी मेरे पे कैंची लगी यार, उल्टी सीधी। चल कोई बात नहीं, इस पर टेप लगा के उल्टा कर दे इसे। और लाओ दे उसका मन फैस का पजामा। अच्छे आदमी यार। और वो पहले की तरह उस पर एल्फी मारना दी है कभी, वो सारा बटला हो जा। काम सीख रहा मेरे यहाँ, नुकसान कर रहा। ऐसे वैसे उस्ताद के दौरे नहीं आया तू, समझ गया? नहीं मानना हुआ उस्ताद हूँ मैं। मैंने लगा दी उस पर टेप। हाँ बढ़िया है, टेप लगा कर जब उसे देगा तय करके दी। अगर वो खुलने लगा यहाँ ना खुलवाइए उसे। कोहलर भाई इतना ही बड़ा हो कोहलर, तू यहाँ कोहलर खुलियो फिर रहा इंग देगी। क्या कांड हो गया यार, पिछली 15 मिनट तो सीता रहा ऐसे ही बाल पता लगा, इसमें तक गई नहीं है। ओ, तो नुकसान होगा जी। चलो अरे वो भी आने वाला, वो पैंट वाला जिसकी पैंट थी। कोई बात नहीं था, मैं उधेड़ दूंगा। कोई बात नहीं, उधेड़ दा कहां था, कहीं इसमें ताक गया थोड़े आया। क्या हाल है जी? ओहो, और क्या हाल है? बढ़िया, वो पैंट दे देते मेरी। पैंट नहीं, कच्चा कच्चा भाई, इसका कच्चा दिए पैंट उस्ताद जी। कच्चा था ये, लो अपना कच्चा। भाई मैंने तुझे नुका था, मैंने कहा यो पैंट का कपड़ा, इसमें तो पैंट बनेगी और जो कपड़ा बचेगा उसका कच्चा बनेगा। अजी हमने पहले कच्चा सी दिया, पहले छोटी चीज करी जा नहीं। यार हमने सी तो दिया बढ़िया, पहन का बहुत बढ़िया लगेगा कच्चा। यो भाई यार तुम मुझे पागल समझ रहे यार, मैंने नुका था बाद में सीना कच्चा। कच्चा बोलना था ना? कच्चा बाद में ही तो कहा। हाँ बाद में कच्चा तो बोलना था। बोलना तो था आज तो, बस हमारे चेले ने सुन लिया था वो भाई। ये कच्चा बन गया था शोर क्या? तो भाई एक काम यार, वैसे तुमने करा दो गलत। नहीं गलत कहाँ का करा, जी कच्चा ही तो कहा था। पैंट भी तो बननी थी ना भाई, दो चीज बननी थी ना, तो एक चीज बन गया भाई, बात तो आई है। अच्छा एक काम करियो तुम। हाँ बता। वो जितना कपड़ा बच रहा नहीं बिल्कुल, उसमें तो भी कच्चे ही बना दियो। उसमें तो कच्चे तो बनेंगे, उसमें ठीक है। बचे ले बड़ा बढ़िया सिया हो क्या जी? वो कच्चा उसका, मैं उस्ताद हूँ तुझे कह नहीं सकता, नहीं तो वो मेरे पर कभी नहीं सिया जाता ऐसा जैसा तूने उसे सिया। और बस अब यह दुकान मैंने खुश हो गया तुझे ही दे। नमस्ते जी।
जाएगी मेरी। हाँ तो ठीक है। टेलर मास्टर से भाई जी क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई बढ़िया। आजा बैठ। पहचाना नहीं क्या? ओ शेरवानी वाला। हाँ यार शेरवानी। तो कोई बात नहीं तेरी शेरवानी सिल देंगे, बैठ जा तू। सिल देंगे वो भाई भी सिल देंगे तेरे 20 साल बाद में तुझे आया अपने लोंडे के साथ दीप जा मेरे मेरी तो जो हो वाली मैंने तो जो कोट रखा था मेरे पे पुराना था। कोई बात नहीं लोंडे के सिल देंगे। हाँ भाई इसकी पैमात ले ले भाई जाए आने वाली 24 तारीख को इसकी साथ दी भाई। चल बेटा बेशक दिन पड़े कर दूंगा काम में उसका। नहीं आज 2 तारीख होगी। हाँ तो कोई बात नहीं कर दूंगा काम बन जाएगी इसकी शेरवानी। पैमास ले ले इसकी फिर। ठीक है पैमास आ जा भाई। ठीक है अच्छा भाई। ठीक है भाई एक बात सुन मैं फिर कह रहा दोबारा तुझे दिक्कत ना हो जाए जरा सी भी। अरे तू टेंशन ना ले ला ले टेंशन ना ले। 20 साल हो गए तूने मुझे लारे लगा रखा मैं तुझे कह के जा रहा फिलहाल। या 20 दिन की बात है 20 साल की बात है। जिसकी किस्मत में हो पहनना तो वही मैंने नहीं पहनना मेरा लोंडा पहनने का। कोई बात नहीं कोई बात नहीं मैं इसका ब्याह रेडी रखो तुम। हाँ बस बता रहा तुझे मैं दिक्कत ना हो जाए जरा सी भी 20 साल तो परेशान कर रखा तूने मुझे। कोई बात नहीं अरे इसकी शेरवानी सिल देंगे भाई तूने सिर खा लिया यार। हाँ सिर खा लिया बैठ बैठ बस। अबे चला रखे पूरे 20 साल हो गए। ला भाई जल्दी उठा दो शेरवानी फटाफट। शेरवानी? हाँ हाँ बैठ जा जो रहेगा थोड़ा सा काम आठ घंटे का काम है मतलब तैयार आठ घंटे का रहो बुठना लगा बैठा कते तैयार 24 तारीख नहीं है आज तो 24 तारीख है तो बारात जाओगे कै बजे आओगे बारात? बारात वो बुठना लगा तैयार बैठा उसे पिनानी बस। कोई बात नहीं बैठ जा भी कर रहा मैं आठ घंटे में बैठ जा बुठना नहीं मतलब दिमाग ना खराब करो तू मैं तुझे बता रहा नहीं तेरे जो ना कोक में पढ़ूंगा भी कभी ज्यादा को समझ रहा हूँ। शेरवानी तो तेरी और तो नहीं कुछ आए नहीं शेरवानी तो 20 साल हो गए तुमने मुझे लगा रखा और मुझे पहननी थी अपनी शादी में वो अभी नहीं पहनी जब मेरे जाकत का टाइम आ गया शादी का बुठना लगा बैठा उसके। तो कोई बात नहीं अपने जाकत को भेज दो उसमें ही। किस में भेज दे? उसमें ही कोट पैंट में जो मैं पहन गया था। हाँ तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो रहा वही मैं पहन के जाऊँ वही मेरा जाकत तो क्या होगा क्या
बाहर को निकल के बड़ा आदमी जाने की क्या होगा क्या होगा हाँ। मुझे तूने जो है ना 20 साल हो गए फिर आ रखा मेरी चपला भी घिस गई क्या बात अरे पार हो जाओ 20 साल पहले से शेरवानी दे गया था मैं अपनी शादी के लिए ये मेरी शादी होगी मेरे जाकत की शादी आज और मुझे जो है ना शेरवानी नहीं दे रहा अभी 20 साल हो गए इनने मेरी चपला भी गिरवा दी अगले आदमी कह जा 8 घंटे बैठ जा शाम तक की दे दूंगा तेरा भी डेली ड्रामा हो गया डेली छुटाते फिर करेंगे क्या हम कोई बात नहीं तुम छुटाइयो ना इसका काम कर दूंगा मैं नहीं तू मेरे लड़ने से क्या होगा तू मेरा नहीं मतलब पढ़ूंगा तो पार तू पार देगा मेरा तेरे पढ़ू तू फिर काम करेगा रुक जा अच्छा रुक जा रुक जा क्या करूं रुक जा रुक जा मैं बता भी कर रहा हूं बता मैं अपने उस्ताद को बुला रहा है अभी हां बुला अपने उस्ताद को बुला वो 1 घंटे में करता है काम हाँ बट ठीक है उसे बुला उस्ताद को ये लेकिन ऊंची आवाज में ना बात करे मेरे साथ मेरी जो है ना वो जक्कत बैठा था यार बस ऊंची आवाज में बात करूंगा अरे आराम से रुक रहो रुक आराम से हेलो उस्ताद जी हाँ पंगा सा होगा आ जाओ लेवा आ लिया आ जगह मेरे चले क्या हो गया अरे इनने यार मुझे सिर पर ठा रखा पूरा गांव देख कितनी भीड़ पर भीड़ कर रखी इनने केले आदमी ने क्या मामला हो गया ठंडी घुंटी ना बजाओ क्या मामला केले के साथ क्या कर दिया वो पीछे हटो बस बता क्या मामला है आयो 20 साल पहले मैं वो देख गया था अपनी शेरवानी इब तक नहीं सीन ने 20 साल हो गए चप्पल भी खींच गई मैंने अपनी बस तुझे क्या समझाया था मैंने क्या समझाया था तुझे और बस अब यार दुकान में ना खुश हो गए तुझे ही दे चल ले एक बात है बस तेरे से जो तेरी टोपी है ना अजी उस्ताद जी क्या बात मुझे बढ़िया लगे मैं तो देने वाला था तुम्हें उस्ताद जी मेरी तरफ से है तुम्हें चलो भाई बहुत बहुत शुक्रिया तेरा उस्ताद जी 2-3 मुझे चीजा बता जाओ चीजा मैं तुझे बताता रहा जल्दीबाजी का काम ही ना पकड़िए जी उस्ताद जी मैं याद रखूंगा बात सारी बस अच्छा भाई अपना ध्यान रखिए काम कर मन लगा कर और अगर कोई भी दिक्कत आवे ना किसी भी किस्म की तेरा उस्ताद तेरे लिए हर वक्त खड़ा अजी बहुत बहुत बस फोन कर दिए तू एक बार एक उस्ताद जी कोई बात ठीक है भाई गड़बड़ तो काम में होती आई बस फिर मैं तुझे जाता जाता यही बात कहूंगा जिंदगी में कभी भी जल्दीबाजी का काम ही ना पकड़िए क्या समझा था क्या समझा था तुझे कि जिंदगी में कुछ भी कर लिया लेकिन जल्दी का काम ना पकड़िए 20 साल में भी जल्दी हो रही है पता नहीं क्या करते रहे मोबाइल लो हम तो चले भाई अपनी दिहाड़ी देखनी तो तुम्हें अपना काम करते रहो ठा लियो ठाली किसे कह रहा भाई अरे पैसे कमा रहे मोबाइल तो मोबाइल लो तो हाँ जी पैसे कमाने हैं क्या हाँ यार मुझे भी जरूरत है पैसे की तो अपस्टॉक्स अच्छा ठीक है अपस्टॉक्स सबसे बढ़िया शेयर ट्रेडिंग म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है जिसमें रतन टाटा जी ने खुद इन्वेस्ट किया इसमें अच्छा और डीमेट अकाउंट अगर तुम ओपन करोगे ना कहीं भी तो 500 रुपए लगेंगे लेकिन अपस्टॉक्स तुम्हें फ्री में अकाउंट ओपन करके दे रहा फ्री में हाँ जी अच्छा बस क्या करना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाओ और अपनी बेसिक डिटेल के साथ में पैन कार्ड की डिटेल भर दो और आपका अकाउंट चालू लो एक खुशखबरी सबसे बढ़िया तुम्हारे लिए है 28,000 रुपए तक सर्विसेज फ्री है और भाई साहब जब शेयर घट जाए तो उसे खरीद ले और जब शेयर बढ़ जाए तो उसे बेचकर पैसा कमाए अच्छा जी उससे बढ़िया क्या है अरे जाओ और पैसा कमाओ अरे मोबाइल घर रखा तो जाओ